हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं कॉस्ट, तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। कॉस्ट चैप्टर को आज हमको कवर करना है। क्लियर है क्लास? तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कॉस्ट, तो बेसिकली कॉस्ट में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉस्ट होता क्या है। पहले मैं वो समझा देता हूं आपको कॉस्ट क्या होता है, देन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? प्लस कॉस्ट, इट इज द पेमेंट मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको आप जो पेमेंट कर रहे हो ना क्लास, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। लागत हिंदी में बोलते हैं इसको। तो जो पेमेंट हम किसको कर रहे हैं क्लास? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, वो हमारे लिए क्या है क्लास? कॉस्ट है। डन। अब सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन होते हैं? चार ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से आप क्या करते हो क्लास? प्रोडक्शन करते हो। क्लियर? सबसे पहले प्रोडक्शन के लिए चाहिए लैंड, फिर चाहिए आपको लेबर, फिर चाहिए आपको कैपिटल, और फिर चाहिए क्लास आपको एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? तो लैंड पे आप लोग क्या पे करते हो? रेंट। लेबर को आप लोग क्लास क्या पे करते हो? लैंड पे आप लोग पे करते हो रेंट। लेबर को आप लोग देते हो वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल पे आप लोग पे करते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मालिक को क्या मिलता है क्लास? नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो अगर आप इन सबको ऐड करो, मतलब कि रेंट प्लस वेजेस सैलरीज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, जो निकल के आएगा इसी को हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट। तो फाइनली क्लास कॉस्ट है क्या? जो पेमेंट आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कर दिया है क्लास, वही क्या है क्लास? आपका कॉस्ट है। तो कॉस्ट इज द पेमेंट मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? देन आई कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट का जो पहला टाइप है वह है क्लास फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। सेकेंड है क्लास आपका एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। थर्ड है क्लास आपका फिक्स्ड एंड थर्ड आप लोगों का है प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। तो आज हम बेसिकली क्लास यहां पे सिर्फ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और बाकी कॉस्ट के लिए आप मेरी अदर वीडियोस देख सकते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और इससे क्लास न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा कॉस्ट के, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का होता क्या है। इट इज द कॉस्ट, शॉर्ट रन की हम बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो किसमें पढ़ रहे हैं क्लास? शॉर्ट रन में। इट इज द कॉस्ट इनकर्ड, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर। क्लास फिक्स्ड फैक्टर पे जो खर्चा आप लोग करते हो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। इट इज कॉन्स्टेंट, ये हमेशा क्या रहता है क्लास? कॉन्स्टेंट रहता है इररेस्पेक्टिव द लेवल ऑफ आउटपुट। यानी आपके आउटपुट का कोई भी लेवल हो, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। चाहे आप एक सामान बनाओ, चाहे दो बनाओ, चाहे तीन, अगर आप क्लास प्रोडक्शन नहीं भी करोगे तब भी आपका फिक्स कॉस्ट तो लगना ही लगना है क्लास। इट इज कॉन्स्टेंट इररेस्पेक्टिव द लेवल ऑफ आउटपुट। इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स्ड कॉस्ट अकर्स। अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी करोगे तब भी फिक्स कॉस्ट लगेगा। लाइक आपके घर का रेंट, आपकी बिल्डिंग का रेंट, आपने बिल्डिंग ले लिया किराए पे, और आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो क्या बिल्डिंग का ओनर आपसे रेंट नहीं लेगा? आपने किसी से पैसे उधार लिए, आपने उधार ले लिया किसी से पैसा, और आपने प्रोडक्शन नहीं किया तो क्या क्लास आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा? उसका देना पड़ेगा। ज्यादा प्रोडक्शन करो, कम करो, या ना भी करो, ब्याज तो फिक्स है, वो देना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट। एग्जाम्पल क्लास हम एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। एग्जाम्पल भी कई बार पूछा जाता है तो आपने ध्यान रखना है।
डेप्रिसिएशन ऑफ अ मशीनरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या क्लास क्या हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारा का सारा क्या है क्लास, आपका फिक्स कॉस्ट है क्लास। इवन मैनेजर सैलरी, इवन मैनेजर सैलरी भी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। मैनेजर सैलरी भी क्या है क्लास, फिक्स कॉस्ट है। लाइसेंस फीस, अगर आपने लाइसेंस ले लिया और काम को चालू नहीं किया तो क्या आपका लाइसेंस एक्सपायर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो लाइसेंस फी भी क्या है आपके लिए फिक्स्ड कॉस्ट है। डन है क्लास, यहां तक सारे एग्जांपल ध्यान रखना फिक्स कॉस्ट का मतलब। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी क्या होता है क्लास, फिक्स कॉस्ट होता है। डन, चलिए अब आगे इसका देखते हैं क्लास, शेड्यूल और डायग्राम। क्लियर क्लास, ये रहा इसका शेड्यूल, यहां पे आउटपुट 0, 1, 2, 3 और यहां पे टीएफसी है, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट। आप जीरो लेवल का आउटपुट तब भी 10, एक तब भी 10, दो तब भी 10, यानी आप जीरो सामान बनाओगे तब भी 10 रुपए खर्चा आएगा, एक बनाओगे तब भी 10 खर्चा आएगा, दो बनाओगे तब भी 10 खर्चा आएगा और तीन बनाओगे तब भी 10 रुपए खर्चा आएगा। तो फिक्स कॉस्ट क्या है क्लास, रिमेन्स सेम है। इसका क्लास डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां पर टीएफसी है, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस है TFC और क्वांटिटी इन यूनिट्स। ठीक है, तो आप अगर देखो कितना भी आउटपुट बना लो, आप जीरो आउटपुट बनाओगे तब भी क्लास क्या है ये, आप एक बनाओगे तब भी उतना ही है, दो बनाओगे तब भी उतना है, तीन बनाओगे तब भी उतना ही है, तो फिक्स कॉस्ट क्या है, रिमेन्स सेम। तो हम इसको बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। तो ये आपका टीएफसी है। देखो टीएफसी जीरो से नहीं स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ। जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, बिकॉज टीएफसी कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो ये कुछ ना कुछ रहेगा, मान लीजिए 10, तो 10 ही रहेगा क्लास। आप कितना ही आउटपुट आगे प्रोडक्शन करो, इट रिमेन्स फिक्स, ये 10 ही रहेगा। क्लियर है क्लास यहां तक टीएफसी में। नेक्स्ट क्लास अगला पॉइंट है हमारा, अगला हेडिंग है आपका वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड क्या है क्लास, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल मतलब चेंजेबल, जो चेंज होता रहता है शॉर्ट रन में उसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल। इट चेंजेस एज आउटपुट चेंजेस, जैसे आउटपुट बदलता रहेगा तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होगा क्लास, बदलता रहेगा आउटपुट के साथ साथ। एज आउटपुट चेंजेस वेरिएबल कॉस्ट आल्सो चेंजेस। और दूसरी बात क्लास, इट अकर्स ऑन वेरिएबल फैक्टर। क्लास किस पे लगता है, वेरिएबल फैक्टर्स पे। इट अकर्स ऑन वेरिएबल फैक्टर, ये क्लास किस पे लगता है, वेरिएबल फैक्टर पे। और इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। क्लास हो क्या, होगा ही क्लास, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे ये जीरो होगा। तो इट इज जीरो, इट इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल क्या है क्लास, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या होगा क्लास, ये जीरो होगा। क्लियर है यहां तक। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है क्लास देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स वेरिएबल कॉस्ट के क्लास। रॉ मटेरियल एक्सपेंस, रॉ मटेरियल एक्सपेंस हो गया आपका। इलेक्ट्रिसिटी बिल मिनिमम नहीं है क्लास, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल। वेजेस टू लेबर, वेजेस टू लेबर। पावर फ्यूल, अब यार जितना आप लोग बिजली का कंजप्शन करोगे, फ्यूल का कंजप्शन करोगे, उतना ज्यादा आपका बिजली का बिल आएगा। कम करोगे कम आएगा, गाड़ी ज्यादा चलेगी पेट्रोल खर्चा ज्यादा आएगा, गाड़ी कम चलेगी तो पेट्रोल का खर्चा कम आएगा। लेकिन गाड़ी ज्यादा चले जाए कम चले, डेप्रिसिएशन तो गाड़ी पर लगेगा ही रहेगा। तो डेप्रिसिएशन कैसा कॉस्ट है यहां पे, फिक्स कॉस्ट है। फ्यूल चार्ज क्या है क्लास, वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट इसका बनाते हैं क्लास शेड्यूल। इसका क्लास हम देख रहे हैं शेड्यूल यहां पे फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। तो क्वांटिटी यहां पे टीवीसी 0, 1, 2 और यहां पे क्लास 3, 0, 1, 2, 3। तो 0 पे 8 है, 2 पे 15, इस पे क्लास मान लेते हैं 23 है और इस पे क्लास है इसका आप ले लो 40। ठीक है क्लास, तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता चला जाएगा आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इससे क्लास 40 ले लो आप तब भी ठीक है, लेकिन आप क्लास 30 ले लोगे तो भी ठीक है, या 31 आप ले लेते हो तो भी ठीक है।
डन। तो ये सारा का सारा क्या हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। इसका डायग्राम क्लास देखो, कुछ स्टूडेंट्स का डायग्राम नॉर्मली बिल्कुल ऐसा बना लेते हैं क्लास, ये भी ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन जो आपको बेटर सजेस्ट करूंगा ना आप क्लास, इसका जो शेप है वो इस तरीके से बनाना, टीवीसी इनवर्स एस शेप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास? इनवर्स एस शेप, इनवर्स एस शेप। यानी शुरू में क्लास देखो असला या कॉस्ट कम हो रहा है, लेकिन एक स्टेज के बाद क्या हो, कॉस्ट बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता चला जाएगा आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होगा क्लास, बढ़ता चला जाएगा। एज आउटपुट इंक्रीजेस द वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है यहां तक क्लास वेरिएबल कॉस्ट? देन इसके बाद तुमने आपको टोटल और वेरिएबल दोनों आपको डिटेल में समझा दिया। क्लियर है क्लास टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। तो फॉर्मूला क्या है क्लास? टोटल कॉस्ट किसके बराबर है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल, कई बार क्वेश्चन आया कि एक ही डायग्राम में तीनों का आप क्लास बना के दिखाओ, तो तीनों का क्लास हम लोग एक ही डायग्राम में बनाएंगे। पहले हम लोग क्लास शेड्यूल बनाते हैं इसका, क्वांटिटी 0 1 2 3 0 1 2 3, और आपका जो टीवीसी आपने लिया हुआ था वो लिया था क्लास आपने 0 क्लास, एक से 0 पे यहां पे क्लास एक बार ठीक करो इसको, 0 लेवल पे आएगा 0, 0 लेवल पे आएगा टीवीसी क्लास 0 आएगा, ठीक है, फिर 8 आएगा क्योंकि 0 पे तो टीवीसी 0 होता है ना, तो 0 लेवल पे 0, 1 पे आएगा 8 और 2 पे क्लास आएगा 15, 3 पे आएगा 23। क्लियर है? यहां पे एक मिस्टेक हो गई थी क्लास, प्लीज आप इसे रेक्टिफाई जरूर कर लेना। तो 0 8 15 और 23, ठीक है। अब टीएफसी आपने क्लास कितना लिया था क्वांटिटी? टीएफसी आपने लिया था क्लास 0 1 2 3 यहां पे, तो इसको 10-10 आपने सब्जी के बराबर लिया था। तो टीएफसी प्लस टीवीसी क्या आएगा? टीसी। तो हम ऐड करते हैं यहां पे टीसी, क्वांटिटी टीसी। अच्छा देखो 0 1 2 3, 0 लेवल पे टीएफसी कितना है क्लास? 10, और टीवीसी कितना है? 0। तो 0 लेवल पे टीवीसी तो हमेशा 0 ही होगा, 0 लेवल पे टीवीसी 0 होगा, तो 0 लेवल पे जो भी टीसी आएगा वो ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करेगा? टीएफसी को। यानी 0 लेवल पे जो टोटल कॉस्ट है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल फिक्स कॉस्ट को। 1 पे 10 प्लस 8 18, 2 पे 10 प्लस 15 25, और ये आएगा 23 प्लस 10 33, तो ये आएगा आपका टीसी। तो आप ध्यान रखना 0 लेवल पे जो टीसी है वो क्या है क्लास? आपका टीएफसी। बिकॉज 0 लेवल पे टीवीसी तो 0 होगा क्लास, टीसी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? टीएफसी प्लस टीवीसी। अब 0 लेवल पे टीवीसी तो क्लास 0 होता है, 0 लेवल पे टीवीसी का तो कोई रोल नहीं है, तो टीसी किसके बराबर होगा? टीएफसी। लेकिन हमेशा नहीं, पहले लेवल पे नहीं, ओनली एट 0 लेवल। मैं आपको लिखवा देता हूं इसके पीछे नोट, ओनली एट 0 लेवल, ओनली एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टीसी इज ऑलवेज इक्वल टू टीएफसी। पर ध्यान रखना ओनली एट 0 लेवल, हमेशा नहीं। अगर 0 लेवल पे टीसी 5 है तो टीएफसी 5555 होगा, 0 लेवल पे टीसी 20 है तो टीएफसी 20 20 20 20 20 होगा। तो 0 लेवल पे टीसी और टीवीसी, टीसी और टीएफसी क्या होता है आपस में? बराबर। बिकॉज टीवीसी का रोल वहां पे 0 हो जाता है, 0 लेवल पे टीवीसी तो 0 होता है, तो टीसी किसके बराबर होगा क्लास? टीएफसी के। ओके, तो इसका डायग्राम बनाते हैं क्लास, इसका डायग्राम बना के क्लोज करते हैं इसको। ये डायग्राम आपने क्लास बनाया था टीएफसी का, ओके, प्लस ये डायग्राम आपने बनाया था टीवीसी का, एक्स एक्स क्वांटिटी क्वांटिटी टीएफसी टीवीसी, और अगर हम उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? टीसी आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा टीसी, टोटल कॉस्ट। ये आपका टीएफसी है, ये आपका टीवीसी है। टीवीसी पता है 0 से क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि क्लास टीवीसी 0 लेवल, 0 लेवल पे 0 ही होता है। फिर ये आपका टीसी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास आपका ये टीसी का डायग्राम बन गया। क्लियर है? तो टीसी इज इक्वल टू सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी। अच्छा, जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये क्या है पता आपको? ये टीएफसी है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज टीएफसी। नोट लिखवा देता हूं, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्लास टीसी एंड टीवीसी इज टीएफसी। या टीसी में से घटाओगे टीवीसी तो क्या आएगा? टीएफसी। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीएफसी इज
TCL, TVCs, TFC. तो ये जो गैप है ये क्या है क्लास, आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है. तो इस तरीके से क्लास आपका हो गया टीसी, टीएफसी, टीवीसी. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है क्लास, एट टीसी कैन नेवर बी जीरो. आपको पता है क्लास टीसी कैन नेवर बी जीरो, टीसी कैन नेवर बी जीरो, टीसी कभी भी क्लास जीरो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि टीसी इज द सम ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी, और टीएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता, तो टीसी कैसे जीरो होगा. क्लियर है क्लास यहां तक? तो आई होप कि मैंने यहां तक आपको कॉस्ट में टीएफसी, टीवीसी ये सब आपको बताया. तो आई होप कि आपको सारा कुछ अच्छे से आ गया होगा समझ में. तो प्लीज आप लोग यहां तक पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा इसके बाद. तो प्लीज आप लोग पढ़ के आना. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. चैनल को सब्सक्राइब करना क्लास, और बेल आइकन दबा देना ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाए. थैंक यू वेरी मच क्लास.